के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। नवरात्रि के अवसर पर दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखनऊ हुए रवाना। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई परामर्श समिति की बैठक, लेखकों साहित्यकारों के विविध पहलुओं पर हुई चर्चा। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता के बैंक खाते में आया 9,99,999 रुपए, बैंक मैनेजर ने किया खाता होल्ड, जांच के बाद चालू होगा खाता। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में हुई मां ब्रह्मचारी की पूजा, की गई आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ। नगर निगम द्वारा चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए गमले हुए चोरी, मुख्य अभियंता सुरेश चंद ने कहा दोषियों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। जिला जेल का एसपी सिटी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सीओ क्राइम व जिला पूर्ति अधिकारी ने किया मासिक निरीक्षण, नहीं मिली कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु, किया पौधरोपण। चार दिन से लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्से हुए जलमग्न, जीडीए की कॉलोनियों में घरों से लेकर सड़कों पर घुटनों तक लगा पानी। श्री रामलीला समिति आरनगर के द्वारा निकाली गई श्री राम वनवास यात्रा, लोगों ने दुखी मन से दी राम लक्ष्मण सीता को वनवास जाने की इजाजत। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से निकाला जाएगा प्रभात फेरी, सदर सांसद रवि किशन हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। दाऊदपुर चौराहे पर स्थित काली माता की मंदिर में भक्त नारियल चुनरी चढ़ाकर मांगते हैं मुरादें, श्रद्धालुओं की पूरी होती है मनचाही मुरादें। एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन, पितृपक्ष में पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की परंपरा की कड़ी में हर वर्ष मनाया जाता है कार्यक्रम। पंडालों में स्थापित होने वाली मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे कलाकार, नवरात्र के सप्तमी को खुलेंगे माँ के कपाट। और गोरखपुर जिला शतरंज संघ द्वारा 3 दिवसीय मुन्नीलाल जैन स्मृति शतरंज प्रतियोगिता का किया जा रहा है आयोजन, विजयी खिलाड़ियों को मिलेगा स्टेट लेवल प्रतियोगिता में गोरखपुर की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका।